बिल्लू सांडा। अच्छा, क्या बनना चाहते थे और क्यों मतलब इतनी हत्या कर रहे थे? मैं इसलिए हत्या कर रहा था, मुझे नाम चाहिए। क्या नाम चाहिए? बस डॉन बनना मुझे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। अच्छा। और इसलिए मैं भागा था यहाँ से कस्टडी में से, मुझे 5 मर्डर करने थे इकट्ठे। अच्छा, अगर या मैं पैसे मांगता, अगर मुझे कोई पैसे नहीं देता ना तो मैं उसे निपटाता। तो क्या पैसों के लिए मर्डर करते हो? जी। पहले कितने पैसे लिए? 5,95,000 में हज्जी इस्तगार प्रॉपर्टी डीलर मारा था मैंने। अच्छा। फिर 62 फुटो पर क्या नाम है अमजद की हत्या करी थी मैंने। अब किन्हें मारना चाहते थे? अब आजम मिर्ची का, बुरा मुकबर हसीना का। क्यों है? क्यों मारना चाहते? वो मेरे से दुश्मनी कर रहे थे। अच्छा। और 3-4 जने और थे। अच्छा। उधर गई तो किसको देख के तुम्हें सीख मिली क्या बड़ा वो बनना? शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। अच्छा। जी शौक है मुझे इस चीज का, बदमाशी का। खलनायक देखे जी। तो क्या संजीदा बनना चाहते? संजीदा दी हूँ जी मैं। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। अच्छा, जेल से जब तुम भागे तो क्या पहले से कह के भागे थे कि भाई मैं मुझे मैं जो है ना अपनी जेल के अंदर अपने क्या नाम है बैरिंग के अंदर 3 दिन पहले कह दिया था मैं ना कस्टडी से भाग जाऊंगा मैं। अच्छा। आज ही और उसी दिन भाग गया। जिस दिन भागे क्या कह के आए थे अपने आने? कह के आया था क्या? मैंने कहा भाग जाऊंगा आज जेल नहीं आने का, उसी दिन भाग गया मैं। तो अब जैसे अब जेल में ले जाएंगे कितने दिन रहोगे जेल में? मुश्किल से 6 महीने बाद फिर हवा भाई। अच्छा, मतलब इन्हें मारना है लेकिन यहाँ से नहीं बाहर से, बाहर के मुकदमे मेरे पास। अच्छा, जब आज इन्होंने पकड़ा तो फायर किस पे किया था तुमने? इंस्पेक्टर साहब पे। क्यों है? क्यों? बस मर्जी थी मेरी हूँ मुझे पकड़ने के चक्कर में। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो इनके नसीब बढ़िया है, बच गए। जब हम एक ऐसे गैंगस्टर की बात कर रहे हैं जो खुद को खलनायक मानते हैं, आपने फिल्म खलनायक तो जरूर देखी होगी जिसमें संजय दत्त बल्लू किरदार निभाते हैं। खलनायक फिल्म का एक फेमस डायलॉग, जी हाँ मैं हूँ खलनायक, इसमें संजय दत्त यानी बल्लू को पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद संजय दत्त पुलिस से कहते हैं कि मैं 10 तारीख को रात 10 बजे जाप की जेल से फरार हो जाऊंगा। ये कहानी फिल्मी है लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा हुआ है और ये कर दिखाया है पश्चिम उत्तर प्रदेश की गैंगस्टर बिल्लू सांडा ने। गैंगस्टर नदीम उर्फ बिल्लू सांडा पश्चिम उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है और इसका अंदाज काफ़ी मजाकिया है। हालाँकि ये खलनायक के बिल्लू की तरह बिल्कुल भी खतरनाक नज़र नहीं आता लेकिन है बहुत खतरनाक। पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर जब इससे पूछा गया कि आपने किसको देखकर हत्या करने की साजिश रची, तो बिल्लू सांडा ने जवाब दिया, खलनायक जी संजय दत्त हूँ मैं और मैं 10 तारीख को रात 10 बजे बल्लू आपकी जेल से फरार हो जाएगा। वीडियो में बिल्लू सांडा बता रहे हैं कि वो हिरासत में लिए जाने के बाद अपनी जेल में ऐलान कर देता है कि वो किस दिन जेल से भागेगा और फिर उसी दिन वह जेल से भाग निकलता है। जिस तरह खलनायक फिल्म में बल्लू यानी संजय दत्त जेल से फरार हो जाता था, बिल्लू सांडा के पिता भी एक बड़े बदमाश थे। बिल्लू ने फरवरी 2015 में एक चौकीदार की हत्या कर दी थी। उसने 6 लाख की सुपार लेकर मंडी कोतवाली इलाके में उसने चौकीदार इफ्तिखार का कत्ल कर दिया था। इसके बाद बिल्लू सांडा ने जून 2015 में खजूर कला गाँव के निवासी अहमद की हत्या कर दी थी जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। करीब 17 माह तक वो जेल में ही रहा और किसी ने उसकी बेल नहीं करवाई। ऐसा कहा जाता है कि बिल्लू सांडा की जब किसी ने जमानत नहीं करवाई तो खुद ही वो जनवरी 2017 में जेल से फरार हो गया। बिल्लू सांडा के बारे में कहा जाता है कि वो अपने हाथ से अतकड़ी भी निकाल लेता है। उसका हाथ इतना पतला है कि वह अतकड़ी को अपने हाथ से आसानी से निकाल देता है और एक बार जज साहब के सामने भी उसने अपने हाथ से अतकड़ी निकाल कर दिखा दी थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला बिल्लू सांडा कहानी खलनायक फिल्म में बल्लू से उबू मिलती है। बिल्लू सांडा के पिता भी उत्तर प्रदेश के बड़े बदमाश माने जाते हैं और अपने पिता की राह पर चलकर ही बिल्लू सांडा भी पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा गैंगस्टर बन गया। बिल्लू सांडा को बचपन से ही मर्डर करने का शौक था। एक बार सहारनपुर कोर्ट में पेश करने जा रहे थे पुलिस वाले और तारीख थी 4 जनवरी।
वहाँ पेश होने से पहले ही बिल्लू सांडा बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में ही वहाँ से फरार हो गया। बिल्लू सांडा को खलनायक बनने का चस्का खलनायक फिल्म देखने के बाद लगा। बिल्लू सांडा खुद इस बात को कहते हैं कि उसका सपना पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में नाम पैदा करना है। बिल्लू सांडा उत्तर प्रदेश की सहारनपुर के मंडी कोतवाली क्षेत्र के पुटा रोड का रहने वाला है। एक बार पुलिस कस्टडी में बिल्लू ने पुलिस को चुनौती देते हुए कहा था कि उसे ज़्यादा समय तक पुलिस जेल में नहीं रख पाएगी, वह 6 महीने के अंदर दोबारा फरार हो जाएगा। बिल्लू सांडा कहते हैं कि कोई ऐसी जेल नहीं बनी जिसमें उसे हमेशा के लिए कैद करके रखा जाए, और उसके बाद वह फिल्म स्टाइल में जेल से फरार भी हो गया था। इस प्रकार ये था पश्चिम उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर बिल्लू सांडा, जिसकी कहानी खलनायक फिल्म में बल्लू से उबू मिलती है, और यह पुलिस कस्टडी से कई बार फरार भी हो चुके हैं, लेकिन बिल्लू सांडा अब फिलहाल जेल में बंद है और अपनी सजा काट रहे हैं।